इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन दिस कंडीशन दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन. इफ एरिया ऑफ द रीजन एस इज एल्फा रूट टू देन एल्फा इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस. कहने का मतलब है कि एस जो है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर्स इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और उन ऑर्डर पेयर्स को यदि कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क किया जाए तो जो एरिया बनता है वो एरिया अल्फा रूट टू है. तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमने पता लगाना है. तो सबसे पहले मैं सारी इनइक्वालिटीज के ग्राफ को सेपरेटली बनाऊंगा, फिर एक कंबाइंड ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसके बाद एरिया बाउंड्री निकालूंगा. सेपरेट ग्राफ बनाने का फायदा यह है कि उससे क्वेश्चन की सोल्यूशन में क्लैरिटी ज्यादा आती है. एक बार सेपरेट ग्राफ पता चल जाएगा तो फिर कंबाइंड ग्राफ ड्रा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. तो टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच इनइक्वालिटी आई विल प्रोसीड बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी फर्स्ट. एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो मींस ऑल द पॉइंट्स लाइंग टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस. वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो मींस ऑल द पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस. तो इन दोनों का तो मतलब हो गया कि वी हैव टू डील विद द पॉइंट्स लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. अब मैं इसका इसका और इसका ग्राफ ड्रा करता हूं. तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूं. इसका ग्राफ तो क्लियरली एक पैराबोला होगा और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर एक्स का मतलब ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द पैराबोला. लेकिन हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है इसलिए रिक्वायर्ड एरिया ये होगा. कहने का मतलब है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स ये सारे हैं. अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x का ग्राफ ड्रा करता हूं. एंड बिकॉज इट कैन बी रिटन एज माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स हैज द ग्राफ बिकम्स और क्योंकि लेस देन इक्वल दे रखा था इसका मतलब हो गया कि इस पैराबोला के अंदर वाले पॉइंट्स. लेकिन हमने बात केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की करनी है इसका मतलब हो गया कि दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन से जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये होगा. और इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो इसका ग्राफ तो क्लियरली एक लाइन होगा एंड क्लियरली द ग्राफ विल बी दिस लाइन जिसमें कि ये 5 होगा और ये 5√8/3 होगा. और बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी शेडिंग भी आएगी और शेडिंग ओरिजिन की तरफ आएगी क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसके ग्राफ में शेडिंग इस तरफ आएगी. लेकिन हमने क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है इसलिए इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स ये वाले होंगे. अब मैं इस ग्राफ को और इस ग्राफ को तीनों को एक ही प्लेन में ड्रा कर रहा हूं. द ग्राफ विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ. ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x का ग्राफ. ये वाला पॉइंट 6 है, ये वाला पॉइंट 2√3 और माइनस 2√3 है. अब √8x प्लस 3y इक्वल टू 5√8 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और उस स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर पोजीशन पता लगाने के लिए मेरे को ये वाला पॉइंट पहले पता लगाना होगा. और ये वाला पॉइंट पता लगाने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा. और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आई विल सॉल्व द इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x दैट इज x इक्वल टू 2. और x इक्वल टू 2 हो गया तो y 2√2 हो गया.
अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको उन पॉइंट्स की बात करनी है जो इस पोर्शन में लाइक करते हैं, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स इस कंडीशन को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन हमने इस कंडीशन का भी ध्यान देना है। तो इसके लिए मेरे को इसका एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना होगा, दैट इज मेरे को पता लगाना होगा कि ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कितनी आगे है, ये हमको ग्राफ ड्रा करके देखना होगा। ये तो हमने देख ही लिया था कि ये वाला पॉइंट 5√8/3 था और ये वाला पॉइंट 5 था, और क्योंकि 5√8/3 2√3 से बड़ा है इसलिए लाइन ऊपर से जाएगी, और हमको पता लगाना होगा कि अब लाइन इस ग्राफ को कहाँ कट करती है और इस ग्राफ को कहाँ कट करती है। अब ये लाइन इस ग्राफ को कहाँ कट करती है, इसको पता लगाने के लिए इन दोनों इक्वेशन से या तो वाई को एलिमिनेट कर लो या एक्स को एलिमिनेट कर लो, लेकिन एक्स को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रख रहा हूँ, तो आई गेट y स्क्वायर इक्वल टू 12-2 इंटू 5√8-3y अपॉन √8, और क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने की जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आई गेट y स्क्वायर इक्वल टू 12-10√2-3y अपॉन √2 एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 12-10+3/√2 इंटू वाई, दैट इज आई गेट वाई स्क्वायर -3/√2 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आई गेट √2 वाई स्क्वायर -3y -2√2 इक्वल 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3+√9+16/√2, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3+-5/√2, दैट इज 2√2 और -1/√2, रिजेक्टिंग इट आई गेट 2√2। And now taking y equal to 2√2 and rejecting the negative value because हम बात कर रहे हैं केवल first quadrant की, और 2√2 तो इसी point का y coordinate है, इसका मतलब हो गया कि जो line होगी वो इसी point से होके जाएगी, therefore the graph of the line will be और क्योंकि हमने line के नीचे वाले points की बात करनी है इसलिए वो points जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट्स यहां लाई कर रहे हैं। एंड नाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया, पहले मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो उसके बाद इस ग्राफ को 0 से लेकर 2 तक इंडिकेट करूंगा तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो क्योंकि ये इक्वेशन y के इक्वल टू 4x की है तो y की वैल्यू हो गई 2√x, तो ये वाला एरिया हो गया 0 to 2 2√x dx, और इसका एरिया तो हम बाद में आसानी से निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 × x/3/2 / 3/2 एंड 0 to 2, दैट इज 4/3 2√2-0, दैट इज 8√2/3, और ये वाला एरिया तो बिल्कुल ही आसानी से निकल जाएगा, ये हाइट है 2√2 और ये बेस की लेंथ जो है वो 3 है, क्योंकि यहां का x कोऑर्डिनेट 5 है, यहां का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो बेस की लेंथ हो गई 3 और ये हाइट हो गई 2√2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 1/2 × 3 × 2√2, that is 3√2. The final area is sum of this and this. That is the required area is 8√2/3
plus 3 root 2, that is 17 root 2 by 3. और required area हमको alpha root 2 दे रखा है, it means alpha root 2 is 17 root 2 by 3, that is alpha is 17 by 3, hence I can say second choice is the correct choice.